हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेवी एसएसआर एएमआर 1/2023 बैच के बारे में। जैसा कि नेवी एसएसआर एएमआर 1/2023 बैच का स्टेज टू एग्जाम ओवर हो चुका है, कम्प्लीट हो चुका है। आप सभी लोगों ने अपना स्टेज टू दे दिया होगा। उसी के रिगार्डिंग आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि जो टोटल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे स्टेज वन में वो कितने थे, उसके बाद जो स्टेज टू हुई उसके बाद फाइनल जो टोटल कैंडिडेट्स हुए वो कितने अप्रोक्सीमेट हो सकते हैं। तो ये डाटा ऐसा नहीं है कि ऑफिशियली रिलीज करा गया है। ये अप्रोक्सीमेट जो डाटा है ये आप लोगों के थ्रू और जो मैंने अपना रिव्यू करा उसके आधार पर बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। इसमें ऊपर नीचे भी हो सकती हैं चीजें, बट जो ये है वो अप्रोक्सीमेट है, इससे थोड़ा ऊपर या नीचे हो सकते हैं। उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे कट ऑफ का क्या होने वाला है इस बार सीन, और कट ऑफ जो होगी वो किस एग्जाम के आधार पर ली जाएगी, यानी जो आपका स्टेज वन हुआ जो कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुई उसके आधार पर, या फिर स्टेज टू में जो ऑफलाइन एग्जामिनेशन हुई उसके आधार पर। पूरी वीडियो देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बोलूंगा, अगर आप चैनल पर नए हो, इंडियन नेवी की इन फ्यूचर तैयारी करने वाले हो, या फिर आप हर एक अपडेट पाना चाहते हो इंडियन नेवी एसएसआर एएमआर की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लो ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं हमें, सो दैट सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि जो स्टेज वन हुई उसके अंदर अप्रोक्सीमेट कितने कैंडिडेट्स को बुलाया गया, सेलेक्ट करा गया। तो स्टेज वन जो हुआ आईनेट एग्जाम, इसमें आप लोगों को बता दूं गर्ल्स कैंडिडेट भी थी और बॉयज भी थे दोनों का, एसएसआर और एएमआर दोनों। अब इसमें जो कैटेगरीज थी जब ऑनलाइन अप्लाई हुआ तो तीन कैटेगरीज थी, एक एएमआर की, एएमआर में वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते थे जिन्होंने की 10th पास कर रखा था, एसएसआर की जिसमें की 12th पास कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हो, और तीसरी जो कैटेगरी थी वो एसएसआर प्लस एएमआर दोनों की, यानी कि इसमें वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते थे जिन्होंने 12th कर रखा है, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग फी पेमेंट करनी थी आपको, 12th कंप्लीट कर रखा है तो ये वाली भी अप्लाई कर सकते थे। अब यहां पर अलग अलग जो कट ऑफ होगी और अलग अलग सारी चीजें होंगी, सिलेक्शन भी अलग अलग हुआ है लोगों का। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। यहां पर 20 to 22 के अप्रोक्सीमेट डाटा है कि टोटल सिलेक्ट हुए हैं स्टेज वन के अंदर। स्टेज वन एग्जाम हुआ, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि स्टेज वन जो एग्जाम हुआ उसमें लगभग 6 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था 600 के, और इसमें से इतने लोगों को सिलेक्ट करा गया है स्टेज टू के लिए। तो ये कोई बहुत बड़ा डाटा नहीं है जो सिलेक्ट करा गया, लेकिन हाँ वैकेंसीज के अकॉर्डिंग देखेंगे, वैकेंसी वाइज देखेंगे तो बड़ा डाटा दिखता है, ठीक है। अब अगर अलग अलग बात करें तो नेवी एएमआर के अंदर अप्रोक्सीमेट 4K कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करा गया हर एक स्टेट से, ये भी ध्यान रखिएगा, हर एक स्टेट से और यूटी से, ठीक है। चलिए एसएसआर की बात करते हैं, 8K लगभग लोगों को, अप्रोक्सीमेट लोगों को सिलेक्ट करा गया एसएसआर के अंदर हर एक स्टेट से और यूटी से, यानी ओवरऑल ऑल इंडिया लेवल पे। नेवी एसएसआर एंड एएमआर कैंडिडेट्स जो थे उनको लगभग 10K ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो दोनों के लिए सिलेक्ट हुए हैं, और दोनों के लिए सिलेक्ट होना बहुत ही बड़ी बात होती है, ठीक है। तो ये हो गई बात कि इतने लोग ये सिलेक्ट हुए स्टेज वन एग्जाम के अंदर जो आईनेट एग्जामिनेशन हुई। अब बात कर लेते हैं हम कि स्टेज वन कंप्लीट होने के बाद जो स्टेज टू हुआ उसके अंदर क्या हुआ। तो स्टेज टू के बारे में आप लोगों को पता है कि कौन कौन सी प्रोसेस थी। सबसे पहले आपको अपना डॉक्यूमेंट चेक कराना था, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो प्रोसेस थी उसके अंदर आपको PFT क्लियर करना था, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपको रनिंग करनी थी, आपको स्क्वैट्स लगाने थे अगर लड़के हो तो, और उसके बाद अगर आप बॉय हो तो आपको पुशअप्स लगाने थे, गर्ल हो तो आपको जो बेंट नी सिटअप्स थी वो लगानी थी। तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस थी PFT की, ठीक है। उसके बाद जब PFT कंप्लीट कर लेते आप तो उसके बाद रिटर्न आपको देना था, और रिटर्न टेस्ट के बाद आपकी मेडिकल कराई जा रही थी। तो जितने भी कैंडिडेट्स स्टेज टू में आउट हुए हैं वो ऑलमोस्ट PFT के अंदर आउट हुए हैं, ठीक है, क्योंकि रिटर्न के तुरंत बाद मेडिकल कराया जा रहा था। चलिए अब बात कर लेते हैं स्टेज टू के बारे में। टोटल सिलेक्टेड अप्रोक्सीमेट 6K, यानी 16,000 लोग यहां से बाहर हो गए। इतना बड़ा डाटा बोलने के पीछे रीजन है मेरा, इसमें काफी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि इस वजह से भी नहीं जा पाए बिकॉज उनकी रनिंग या फिजिकल फिटनेस टेस्ट में कोई इशू आ गया, उनको कोई प्रॉब्लम हो गई। वो काफी अच्छे थे पढ़ाई वगैरह में, वो काफी अच्छा कर रहे थे, लेकिन इस वजह से ये चीजें हो गई। तो ये काफी कैंडिडेट्स के साथ हुआ है, कुछ लड़कियों के साथ भी और कुछ लड़कों के साथ भी, जिनका डाटा हम निकाल सकते हैं। तो वो उतना ज्यादा तो नहीं होगा, बट हाँ है वो। उसके बाद बात करें तो कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनका कि सेम डे पे
ग्रेजुएशन का एग्जाम था, तो कुछ लोग ग्रेजुएशन देने के लिए, क्योंकि इसमें कुछ भी श्योर नहीं है कि आप स्टेज टू देने जाओगे आपका हो जाएगा, तो इस वजह से भी काफी ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनसे मेरी बात हुई वो नहीं गए, ठीक है। अब तीसरी जो चीज है वो आपको मैंने बताया पीएफटी क्लियर नहीं कर पाए, और दैट्स वाई यहाँ पे 6K अप्रोक्स कैंडिडेट्स जो हैं वो सिलेक्ट होते हैं स्टेज टू एग्जाम के बाद। यहाँ पर री मेडिकल भी कुछ को मिला है जो कि कुल मिला के 6K हो जाएंगे। इसमें नेवी एमआर के 1K, नेवी एसएसआर के 2K, नेवी एसएसआर और एएमआर के 3K, ये कुछ इस प्रकार से डाटा है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1500 है। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर एसएसआर की जो वैकेंसीज हैं वो तो 1400 है, ठीक है, लेकिन एएमआर की जो वैकेंसीज हैं वो 1100 है। इसको बढ़ा के 150 आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा। तो यहां पर अगर इतनी वैकेंसीज हैं और यहां पे 1000 लगभग 1500 लोग भी सिलेक्ट हो जाते हैं, तो 15 गुना लोगों को बाहर करेंगे ये, एक यानी एक बंदे को लेंगे, 15 में से एक बंदे को लेंगे, इस तरीके से ये चीजें होने वाली है। तो इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है, अगर आपने स्टेज टू क्लियर कर लिया है तो उतना ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि 15 में से एक का है तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, जिसने अच्छा स्कोर करा होगा एग्जामिनेशन के अंदर और जो फाइनल मेडिकल को भी क्लियर कर लेता है वो सिलेक्ट हो जाएगा इसके अंदर, तो ये चीज है। उसके बाद बात करें एसएसआर के अंदर 1400 टोटल है, और एसएसआर के अंदर अगर अप्रोक्सीमेट डाटा बात की जाए तो 4500 लोग हर एक स्टेट और यूपी से सिलेक्ट हुए हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि बहुत ही कम ऐसा कंपटीशन बचा है स्टेज टू के बाद, तो अपने आप को फिट रखना, क्योंकि फाइनली आपको बहुत सारी चीजें देखनी है बहुत ही जल्दी एसएसआर के अंदर। तो एसएसआर के जो कैंडिडेट्स हैं उनको कट ऑफ को लेकर ज्यादा चिंता नहीं करनी है, ज्यादा चिंता करने की जरूरत और चिंता करने के कोई फायदा भी नहीं है। वैसे मैं बता रहा हूं सोचने की नीड है उन कैंडिडेट्स को जो एसएसआर के लिए एएमआर के लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि एएमआर में कंपटीशन बढ़ेगा और ऑब्वियस ही बात कंपटीशन बढ़ने वाला है स्टेज टू के बाद। तो यहां पर जो आपका आईनेट एग्जाम का रिजल्ट होगा उसके आधार पर जो हायर मार्क्स वाले कैंडिडेट्स हैं वो सिलेक्ट किए जाएंगे एएमआर के अंदर भी एसएसआर के अंदर, लेकिन एसएसआर की कट ऑफ कम जाएगी। इसके पीछे का रीजन ये है नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है और लास्ट में कॉम्पिटिशन कम बच रहा है। होप मैंने समझा दी आप लोगों को कि कुछ इस तरीके से ये चीजें होने वाली हैं। अब बात करें कि नेक्स्ट वैकेंसी जो आएगी उसके अंदर क्या होगा, नेक्स्ट वैकेंसी आएगी उसके अंदर नंबर ऑफ वैकेंसी जरूर बढ़ेंगी एसएसआर के अंदर भी और एएमआर के अंदर भी। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे 400 वैकेंसी आती थी एएमआर के अंदर वो हो जाए और 2000 के आसपास वैकेंसी कर दी जाए एसएसआर के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें हो सकती है, लेकिन ये इन फ्यूचर की बात है। तो ये मैं बेसिकली बोलना चाहता हूं कि अगर आप किसी वजह से अनफॉर्चुनेट रहे और आप बाहर हो गए तो आपको डिमोटिवेट होकर बैठ नहीं जाना है, आपको तैयारी करनी है, आपको मेहनत करनी है और नेक्स्ट वैकेंसी बहुत जल्दी रिलीज की जाएगी। कुछ इस तरीके से ये सारी चीजें थी, होप आप लोग समझ गए होंगे। अब फाइनल 6K लोग हैं, 1500 वैकेंसीज हैं, इसमें से अब जो लोग लकी होंगे और जिन्होंने थोड़ा अच्छा स्कोर करा होगा वो सिलेक्ट हो जाएंगे। फाइनल जो इसके लिए मेरिट आएगी वो अभी थोड़े टाइम बाद आएगी, मे बी मई तक आए, वैसे तो इन्होंने अप्रैल 2023 ही बोला है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा डिले करेंगे, बिकॉज अभी तो रीमेडिकल मिला है, रीमेडिकल के लिए आपको 21 डेज देना होता है कैंडिडेट को नॉर्मली, तो ये चीज भी है। तो ये सारी चीजें हैं, बट ये है कि भाई एंड तक ये ज्वाइनिंग वगैरह करा लेंगे, ठीक है, ज्यादा अगर लेट होता है तो। होप आप लोग समझ गए होंगे, आपके मन में कोई भी डाउट है आप कमेंट कीजिए, मैंने जो भी समझाया समझ गए होंगे आप। स्टेट वाइज कट ऑफ बढ़ने वाली है किसकी, ध्यान रख लेना एक बार फिर से, एएमआर कैंडिडेट्स की, और एसएसआर कैंडिडेट्स की बहुत ही हाई नहीं जाने वाली है, तो आप ये ध्यान रखना। तो इस तरीके से सारी चीजें थी, बाकी जो भी होगी डिटेल्स वो मैं शेयर करूंगा इन फ्यूचर आने वाले टाइम में। आप लोगों को कैसी लगी ये जो डिटेल्स मैंने शेयर की वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, नहीं लगी है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ ताकि वो लोग भी जुड़ सके हमारे साथ और बाकी लोगों के साथ भी। अगर आप शेयर करोगे तो उससे काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी, और स्टडी विद अभिषेक फैमिली को बड़ा करना है तो इसको तो शेयर करना ही पड़ेगा आप लोगों को। तो वीडियो अच्छी लग रही है आप देख रहे हो तो आप जरूर शेयर करो, साथ ही साथ आप चैनल पर नए हो काफी टाइम से देख रहे हो, मैं ऐसा भी देख रहा हूँ काफी सारे ऐसे लोग हैं जो डेली देखते हैं, जो हर टाइम वीडियोज देखते हैं बट उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर लो, नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, आप देख पाओगे, ठीक है। तो होप आप लोग समझ गए होंगे, बाकी अगर आपने टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम मेन चैनल और ये स्टडी विद अभिषेक डाउट सॉल्विंग ग्रुप दोनों को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और मिलता हूं मैं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।